Monkey Man. ये कौन है मैं जा रहा हूँ, नाक तो ढक लो, नाक तो चश्मा अंदर डालो कैमरा ऑन था, ये वीडियो में डलेगा तो फाइनली अपनी राइड स्टार्ट होते हुए, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड टू आवर चैनल एसबीके व्लॉग्स। क्या हाल है हमारे भाइयों के? ओह हवे लाउड है क्या? ये खड़ी अपनी लाउड भाई। और आज एक बंदे को हम बहुत कलसाने वाले हैं, उनके पास भी Z900 है और वो खड़े, उनकी चिड़ मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ 15,000 बोला है और उनकी किलस जाएगी। जय साई राम। असली हवा से बातें करना ना, अगर कोई पूछे किसको कहते हैं तो शायद इस मशीन को कहते होंगे, मतलब इस बाइक को कहते होंगे। एक तो ये इतनी हल्की लाइट वेट है ना, तो पता ही नहीं लगता कब उड़ने को हो जाती है। और क्योंकि इसकी आवाज़ ऐसी है, तो आवाज़ तो ऐसा लगता है कि भाई साहब सबको चीरती हुई चली जाएगी, और इसकी स्पीड तो वैसी उड़ती रहती है। तो ये दोनों बहनें चल रही हैं, इन दोनों का नामकरण करना है। इसका मैंने एक नाम सोचा है, इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पोल करके पूछूंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो वही नाम रख देंगे। और मुझे पता है आप लोग ये सही करोगे, क्योंकि नाम अपन सबका फेवरेट होने वाला है। इस बाइक पे अपनी पहली राइड है और 4 महीने बाद अपनी ऑफिशियल एक राइड हम बोल सकते हैं, जिसमें मैं गियर्स पहन के राइड पे जा रहा हूँ। आज हम जा रहे हैं जेवर, मतलब 4 महीने हो गए ढंग से राइड नहीं करी, क्योंकि जितनी भी करी आसपास ही करी, सिटी में करी, घूम घाम के आ गए, ना गियर्स पहने ना कुछ। आज ऑफिशियली 4 महीने बाद राइड पे जा रहे, तो आज की फीलिंग आप समझ सकते हैं। एक तो नई बाइक और एक तो 4 महीने बाद राइड, मजा आने वाला आज की। और आवाज है तो क्या ही कहने देखते ही देखते हम नोएडा एंटर कर गए, और क्या फील आ रही है बॉस। आज दोनों Z900 आतंक बचाने वाली है, उसमें लगा हुआ रेस वेट, इसमें लगा हुआ SC, तो दोनों भाई भाई और भाई के दोनों बहन बहन भाई मतलब भाई के चलाई है मैंने, उड़ाई भी ऐसे तेज भी चलाई है, बट नेकेड की और इस आवाज के साथ जो फीलिंग आ रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बाइक रुकेगी ही नहीं, लिटरली बोल रहा हूँ। बहुत गजब वाली फीलिंग आ रही है इसके आवाज के साथ चलाने में। एंड मेरा जो राइट ईयर है ना, मतलब राइट कान, लिटरली बोल रहा हूँ बैंड बज रही है उसकी, क्योंकि राइट साइड में एग्जॉस्ट है ना, बहुत हद वाली लाउड, जैसे मैं हर बार बोल रहा हूँ बहुत हद वाली लाउड है यार ये। कैमरे में इतना जैसे नहीं होता, जब सामने से आप सुनोगे ना, आप लिटरली बोल रहा हूँ मतलब आपके कान बंद कर ही लोगे, इतनी लाउड है ये। महीने की कसर थी भाई, निकालनी तो थी ना कहाँ निकलेगी, यही निकलेगी 4 महीने बाद। सुपर अपनी सुपर आज में, ये दूसरों की मंगाने में थोड़ा डर रहता है, अपनी चीज होती है। चलो तो बाद में भाई पता भी नहीं लगा, 2 या 3 ऐसा लग रहा है सिर्फ 2 या 3 मिनट हुए जहाँ से हम जेवर से मतलब TD&D से स्टार्ट करते हैं अपनी राइड, ऐसा लग रहा है सिर्फ 2 या 3 मिनट हुए हैं और मैं यहाँ पे जेवर के ऊपर जो हाईवे चढ़ता है वहाँ पे पहुँच भी गया। लिटरली बोल रहा हूँ भाई, इस बाइक से मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, बाइक से ज़्यादा आवाज़ से प्यार हो गया, मतलब जितनी भी बाइकें मैंने चलाई है ना नेकेड में, दिस इज़ द बेस्ट मशीन। लिख के ले लो ब्लैंक पेपर पर, साइन कर दूंगा मैं। आज पूरा लेटा हुआ था मैं और भाईजान, तो पूरे लेटे हुए थे यार।
ना डर तो लगता ही है, इतना टाइम भी तो हो गया, गैप भी तो आ गया। लेकिन इसका आवाज ने ना मेरे कान में दर्द कर दी है। आपको आ रही थी आवाज? भैया भैया ये इसके कान दर्द कर दिया है मेरा राइट ईयर। भाई आई एम रियली सॉरी, आज बिल्कुल मेरा मतलब जब मैं वहां से स्टार्ट हुआ ना, एक्चुअली वो क्या रहा है, ऑलमोस्ट सारे ग्रुप इधर आए हुए हैं, कम से कम नाना करके 200 प्लस बाइकर है, तो एक ना काइंड ऑफ स्ट्रीट रेसिंग वाली फीलिंग आ रही है, तो सारे ना एक दूसरे को फ्लाई बाय देने पे लगे हुए हैं और मैं भी पंप हो जाता हूँ। ये बाइकर का ना एक पंप होता है, देखो ये जब कोई भगाता है तो, और जब ऐसी मशीन हो ये भगाने के लिए होती है, तो सारे भगा रहे हो तो मैं भी भगा रहा हूँ। अभी जैसे मैंने 250 टच करी तो उसमें मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा कैमरा ऑफ पड़ा हुआ था, तो सारे इस साइड आ हुए हैं। तो आज तो भाई साहब स्ट्रीट रेसर होता है ना, जैसे बाहर की कंट्री में हम देखते हैं कि 200-250 बाइकर एक साथ चल रहे हैं, तो वैसी वाली फीलिंग इस हाईवे पे आ रही है। और ज़्यादा भगाते हुए बात इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि एक तो विंड ब्लास्ट आएगा और कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, इस वजह से अभी मैं जस्ट स्लो डाउन हुआ हूँ। और आज तो बस खिंचे लग रहे हैं और ये वाली आवाज मेरे को पागल कर रही है। एक चीज से ना मुझे मतलब बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मुझे यहाँ पे ना अपना नया हेलमेट पहन के आना चाहिए था। लिटरली बोल रहा हूँ, मेरी गर्दन और मेरा जबड़ा दर्द कर गया क्योंकि विंड ब्लास्ट इतनी तगड़ी आती है ना इसमें नेकेड में, एंड ये हेलमेट हो चुका है लूज, तो ये पीछे पीछे भाग रहा था और मैं आगे आगे जा रहा था, ये पीछे पीछे आगे आगे, तो इस वजह से ना मेरी नेक में ना पेन स्टार्ट हो गया। अभी जब हेलमेट उतारूंगा 5-10 मिनट में ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। लेकिन आज की राइड मतलब यार जब भी राइड करता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत अल्टीमेट वाली राइड हुई है, लेकिन आज की राइड तो सच में बहुत अल्टीमेट वाली हुई है, मज़ा ही आ गया। एंड मैं सबसे पहले आ गया हूँ, बाकी सारे पीछे हैं क्योंकि मैं तो फुल ऑन रुका ही नहीं गई मैं, और नितिन भैया होंगे सबसे पहले। नितिन भैया कहाँ गए? बस नितिन भैया को देख रहा हूँ मैं। ओ बाऊ जी तुसी हर जगह मिल ही जाते हो। किदा भाई यहाँ पे चिल करते करते काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट जितने भी ग्रुप आए थे सारे जा चुके हैं, लेकिन हम रुके क्योंकि बड़े दिनों बाद आए हैं तो चिल करना तो बनता था और फोटो शूट होना रह गया। तो यहाँ पे अब सब खिंचे मारी जा रहे, लेकिन अपने को शौक नहीं है क्योंकि हम बहुत खिंचे मारते हुए आए हैं। अब यहाँ पे बस छोटा सा फोटो शूट करेंगे, देन उसके बाद दोबारा निकलेंगे। और ये रे हरी भैया, अरे भैया खिंचा मार रहे हो क्या? फोटो शूट कर रहे हो? अरे भाई क्या क्या भाई के भूल गए ये भूल के देख रहे हो असर, देख रहे हो इतने दिन बाद वीडियो बनाने का, वीडियो में आने का असर। वायन प्लैटिना BMW को कह रहे प्लैटिना भाई यहाँ पे मस्ती मजाक आपको पता है हमारा हमेशा स्टार्ट रहता है, और धूप बोर्ड हो रखी है इसलिए शेड्स पहन लेते हैं। फोटो शूट हो रहा है, मैं भी फोटो शूट खिंचवा लेता हूँ एक दो, फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। आए थे इतने सारे बंदे, रह गए सिर्फ इतने बंदे, मिले थे। देखो ऐसा है ना, अच्छा आज बता 200 बाइक अगर इधर साइड दी तो सबसे लाउड कौन सी थी? अरे यार भाई साहब सबसे लाउड इन भाई की बाइक है ये रे। मैं इनकी शक्ल दिखाना पसंद नहीं करूंगा ब्लॉग में, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे। ये कहते हैं कि इनकी बाइक जो है ना वो 270-280 तो कहीं नहीं जाती। और इनका बाइक 18 इंच का है, बाइक ऐसे कहते हैं ऐसे निकालूंगा ऐसे। अरे भाई साहब ऐसे निकली और खबर ही आती है फिर किसी की लेनी हो ना हमसे मिलवा दो, फिर हम बताएंगे कि लेते कैसे उसकी। आज की राइड मतलब 4 महीने बाद ये सबसे यादगार राइड होने वाली थी और जो हो चुकी है। अभी तो दोबारा भी जाना, अभी तो बहुत लंबा सफर है और
अब तो बस रोड पे अपनी बाइक की आवाज सुनाई देने वाली है। अपनी बाइक का नाम मैंने सोचा है, आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, थॉर नाम सोचा है, क्योंकि जो एवेंजर का थॉर था ना, जब उसका हथौड़ा कहीं पड़ता था ना तो वो इम्पैक्ट छोड़ के जाता था, और अपनी बाइक जहाँ से निकलेगी ना वो इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी। और जो दूसरी वाली वो थी Z900, उसका नाम हमने रखा लोकी, क्योंकि वो दोनों भाई थे। नहीं सलीम वाली तो अलग है, तो अपनी दोनों Z900 का नामकरण हो चुका है, मेरी वाली का मतलब जो हमारी वाली है SC प्रोजेक्ट वाली, ओरिजिनल SC प्रोजेक्ट वाली, नकली वाली नहीं, जिस पर टेप चढ़ी हुई है, ये नहीं नकली वाली, टेप चढ़ी हुई है, असली वाली का नाम हमने रखा है थॉर, और जो दूसरी वाली है मतलब घंटा लाउडेस्ट, उसका नाम है लोकी, उसका नाम है लोकी, क्योंकि हम एवेंजर के फैन हो चुके हैं, लॉकडाउन में हमने सारी एवेंजर सीरीज देख डाली, तो थॉर इम्पैक्ट छोड़ता रहा, अब ये बाइक भी अपनी थॉर भी इम्पैक्ट छोड़ेगी, क्योंकि भैया की रिक्वेस्ट थी कि भैया नाम रखना है लड़कों वाला, लड़की वाला नहीं, तो थॉर इज अ परफेक्ट नेम। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अब यहाँ पे हो रही है गर्मी, अब यहाँ से रोल आउट करते हैं एंड रोड पे थॉर मचाएगी फिर दोबारा शोर, लेकिन इस बार मैं नहीं चलाऊंगा, कोई और चलाएगा, शायद गोविंद चलाएगा, क्योंकि मैं सुनूंगा, खुद चला गया तो बहुत देर से कान दर्द हो गया, अब मैं सुनूंगा चलाएगा कोई और, क्या हाथी ला के मैं सन्नी, मैं सन्नी लियोनी चलाऊंगा आराम से, आवाज सुनूंगा, लेकिन ये नहीं कि तुम 200-250 पे आगे निकल लो और मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, आवाज सुननी है मेरे को, मैं इसलिए चलाऊंगा, ठीक है, मेरा बाल झड़ गया था बाला भैया के, बाला बाला, दोबारा रोल आउट करते हैं। सबको अलविदा कहने का वक्त आ गया, क्योंकि भाई गर्मी नेक्स्ट लेवल हो रही है और सबके सर में दर्द कर दिया है इसने तो हम भी चले अब अपने घर की ओर, एंड मेरा भी हेडेक शुरू हो चुका है, और लोकी बाय बाय, थॉर का बार बाय ले लो लोकी हमने चिल करने के चक्कर में ना एक छोटी सी गलती कर दी कि धूप ज्यादा हो गई एंड हम उधर ही बैठे रह गए, जिसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो गई एंड बिल्कुल सर पे सूरज है, तो उस वजह से मेरा हेडेक भी होने लग गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाली हो गई है अब, तो इसलिए अभी वहाँ से चल के ना मैंने कोई व्लॉग ही नहीं करा, एंड ये वाली बाइक दे दी थी मैंने दूसरों को, कभी गोविंद ने चलाई, कभी रेहान भैया ने चलाई, कभी गौरव भैया ने चलाई, क्योंकि अगर मैं इसको चलाता रहता ना मेरे हो जाता सर दर्द, लेकिन भाई पहले मैं सोच रहा था इसका एग्जॉस्ट चेंज करूँगा, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि अब तो प्यार हो गया आज सुबह को, मुझे तो पता था कि अपने ग्रुप में तो वाह होगी क्यों एग्जॉस्ट की वजह से, लेकिन जब यहाँ पे हम रुके जहाँ पे सारे ग्रुप आए हुए थे वहाँ पे दूसरे ग्रुप वालों ने भी इस एग्जॉस्ट की इस बाइक की तारीफ करी, तो सोच सकते हो कितना बड़ा प्लस पॉइंट हो गया, तो अब तो भाई साहब रखना बनता है इसके, मतलब ये होगा कि लॉन्ग राइड करनी होगी, एक स्पेयर एग्जॉस्ट ले लूंगा जो कम लाउड वाला हो, स्मूथ साउंड हो, तो रेप्लिका एग्जॉस्ट ले लेंगे, कभी बाहर जाना हो तो वाला एग्जॉस्ट, और संडे राइड पे या लोकल घूमना हो तो यही वाला। भाई प्यार हो गया इस आवाज से, और आप लोग बताओ कैसी लगी आप लोगों को आवाज, जो पिछली दो वीडियो में भी देखा आपने और ये वीडियो में तो आपको देखी है हाइपर राइडिंग। इस वीडियो में तो कोई मैं रुका ही नहीं, ज्यादा वॉक किया ही नहीं, सिर्फ भगाई है मैंने, तो मैं भी चल रहा हूँ घर, सारे चले गए पीछे से, मैं सिर्फ अकेला रह गया इस रूट का, वैसे तो मेरे साथ दो तीन बंदे होते लेकिन वो आज आए नहीं थे, इस वजह से मैं अकेला जा रहा हूँ अब, तो हम भी चलते हैं, आप लोगों से अलविदा लेते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर इस बाइक का नाम अच्छा लगा थॉर तो कमेंट करके जरूर बताना कि नाम कैसा लगा, और वो वाली Z900 का नाम कैसा लगा लोकी और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अब तो ब्लॉग्स पे ब्लॉग्स आते रहेंगे, जिस चीज़ की कमी थी वो कमी हमने पूरी कर दी है, अब फर्स्ट जस्ट फिंगर क्रॉस है ऊपर वाले से दे है, ये बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाए ताकि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए, हम आसानी से अपना घूम सके, सब कुछ कर सके और अपनी लाइफ पहले जैसे इंजॉय कर सके, डर के ना करें, ढंग से खुल के इंजॉय कर सके। अभी आपको हमारी हंसी मजाक में लगता होगा कि हम थोड़ा दबे दबे से, वो भाई सिर्फ इस बीमारी की ही टेंशन है और कहीं की टेंशन नहीं है, अब मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा बोलूँगा उतना ज़्यादा थकूँगा, इसलिए फाइनल बाय बाय, मिलेंगे जल्दी नए वीडियो में, टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर्स एंड योर फैमिली, प्रिकॉशन अच्छी तरीके से लें, कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी घूमें फिरें अच्छे से प्रिकॉशन लें अपनी, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए नई बाइक के लिए, दिस इज मी कमल साइनिंग ऑफ, बाय बाय, क्या हाल है हमारे भाइयों के, बाय बाय।